नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलिगेंट ट्यूटोरियल। आई एम गोइंग टू स्टार्ट एमसीक्यू फ्रॉम द चैप्टर ऑफ मेंसुरेशन। इस वीडियो में आपको एमसीक्यू का क्वेश्चन मिलेगा और जितना भी क्वेश्चंस है वह सब क्वेश्चंस कभी न कभी बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, तो इसलिए इसका भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका एक वीडियो बना दिया जाए। वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर विद रेडियस 10.5 सेंटीमीटर एंड सेक्टर एंगल 60 डिग्री, तो पेरीमीटर क्या होगा। तो सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं सर्किल का, और इसका एक सेंटर होगा, ये रेडियस है, 10.5 सेंटीमीटर, तो ये भी 10.5 सेंटीमीटर। एंगल है 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोगों को जो करना है वो ये, इसका लेंथ निकालना है। इसको बोला जाता है आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 2πr(θ/360। तो यहां पर थीटा चूंकि 60 डिग्री है इसलिए इसका जो वैल्यू हो जाएगा तो 2πr/6, ये इसको कैंसिल, तो πr/3। तो πr/3, अब यहां पर इसका वैल्यू को पुट करते हैं तो 22/7 इंटू आर है 10.5/3, तो 7 1.5 और 3.5, तो इस तरह से ये 11 सेंटीमीटर, इसका लेंथ हुआ 11 सेंटीमीटर। अब चूंकि हमको इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर में ये रेडियस इस पार्ट का जो पेरीमीटर होगा, जो टोटल लेंथ होगा, वह हो जाएगा तो 21 + 11, तो 32 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल हुज सेंट्रल एंगल, कुछ इसी तरह से है बट ये क्वाड्रेंट है, मीन्स 90 डिग्री जब दिया हुआ है यहां पे, तो ये क्वाड्रेंट है। तो सॉल्व करते हैं इसको। एक सर्किल है, इसका जो ये वाला एंगल है ये 90 डिग्री और रेडियस है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, तो इसका भी इसी तरह से निकालेंगे 2πr(θ), तो 2πr और बाय, यहां पर हम 4 दे देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि 90/30 (360) तो डिवाइड करेंगे तो 4 और 2 × 4 मीन्स πr/2, तो पाए का वैल्यू 22/7 और r है हमारा 7 और डिवाइड बाय 2, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 11 सेंटीमीटर। तो मीन्स 11 सेंटीमीटर जो हुआ वह ये लेंथ हुआ 11 सेंटीमीटर का, क्योंकि पेरीमीटर हमको कैलकुलेट करना है, तो ये रेडियस 7 और ये 7, तो 7 × 7 = 14 + 11 = 25 सेंटीमीटर, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्किल इज, क्या कह रहा है कि एक सर्किल का एरिया और पेरीमीटर दोनों इक्वल है, तो सर्किल का रेडियस क्या होगा। तो हम देखते हैं यहां पे एक फिगर ड्रॉ किए सर्किल का, इसका रेडियस आर
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्किल न्यूमेरिकली इक्वल, तो एरिया इसका क्या होगा, सर्किल का एरिया, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर, पेरीमीटर तो टू पाई आर, और कर्ण है न्यूमेरिकली इक्वल, तो हमने इक्वल कर दिया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, पाई पाई कैंसिल, ये आर कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू टू यूनिट्स। इस तरह से थ्री नंबर का जो सॉल्यूशन हुआ वो क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ द एरिया ऑफ ए सर्किल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर एक सर्किल है जिसका कि साइड है 10 सेंटीमीटर, मीन्स स्क्वायर का साइड है 10 सेंटीमीटर, तो एक स्क्वायर का फिगर ड्रॉ करते हैं और इसके अंदर एक सर्किल को ड्रॉ करते हैं। और यहां पर दिया हुआ हमको कि इसका साइड का जो लेंथ है स्क्वायर का वो 10 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा। तो ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये चूंकि इस सर्किल का डायमीटर हो गया, तो डायमीटर हो गया तो रेडियस हो गया इसका 5 सेंटीमीटर। अब रेडियस सर्किल का 5 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या, तो एरिया ऑफ द सर्किल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी, सॉरी आंसर नंबर डी। तो 4 नंबर का सॉल्यूशन हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए थिन वायर इन द शेप ऑफ ए सर्किल, एक पतला तार है और वो सर्किल के शेप में है, तो सर्किल के शेप में है तो सर्किल का एक फिगर ड्रॉ करते हैं, ये सर्किल के शेप में है और रेडियस है इसका 77 सेंटीमीटर, तो रेडियस मेंशन कर देते हैं 77 सेंटीमीटर। अब क्या किया गया, ये जो सर्किल के शेप में है इसको मोड़ करके स्क्वायर के फॉर्म में बना दिया, तो स्क्वायर बना देते हैं इसका, ये हो गया स्क्वायर। तो फाइंड क्या करना है कि इस स्क्वायर का साइड क्या होगा, अगर हम इसको ए लेट कर लें, स्क्वायर के साइड को ए लेट कर लें, तो यहां पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होगा वह यह कि सर्किल का जो सरकमफेरेंस होगा और स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा दोनों इक्वल होगा। तो सर्किल का सरकमफेरेंस, तो सर्किल का सरकमफेरेंस, सर्किल का सरकमफेरेंस 2πr, तो मतलब 2 और 22/7 इंटू आर, तो आर 77, ये इक्वल हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर मीन्स क्या, 4 इंटू साइड, तो साइड ए को लेट किए 4 है। अब यहां पे इसको सॉल्व करते हैं, तो ए इज इक्वल टू, हमारा ए इज इक्वल टू जो होगा तो 2 × 22 × 11/4, तो 2 × 4 = 11, तो ए इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर, यानी इस स्क्वायर का जो साइड का जो लेंथ होगा 121 सेंटीमीटर, और ऑप्शन ए में यहां पर है 121 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द रेडियस ऑफ ए सर्किल हुज सरकमफेरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ टू सर्किल्स ऑफ डायमीटर 36 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है कि एक एक सर्किल है, एक बड़ा सर्किल है, ये हम थोड़ा सा बड़ा सर्किल ले रहे हैं, दो और स्मॉल सर्किल है, एक इससे भी स्मॉल, इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों का,
दिस रेडियस ऑफ सर्किल हुज सर्कमफेरेंस इज इक्वल, सर्कमफेरेंस दोनों का इक्वल है और ये जो रेडियस है इसका, क्योंकि 36 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है तो इसका रेडियस 18 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर डायमीटर है तो इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन यही कह रहा कि इस सर्किल का सर्कमफेरेंस इस दोनों सर्किल के सर्कमफेरेंस के सम का इक्वल है। तो अगर हम इस सर्किल का रेडियस आर से रिप्रेजेंट करें तो इसका जो सर्कमफेरेंस होगा तो 2πr इज इक्वल टू इसका 2πr मीन्स 36π और ये 20π। तो 2πr इज इक्वल टू 56π। तो पाई कैंसिल तो r इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। इस सर्किल का जो रेडियस होगा वह होगा 28 सेंटीमीटर, जो कि आंसर नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द रेशियो ऑफ द TSA ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस इज। तो सबसे पहले हेमिस्फीयर को जानने के लिए थोड़ा सा स्फीयर के बारे में, सॉलिड स्फीयर के बारे में देखते हैं। ये एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर नींबू को मान सकते हैं। इसका रेडियस जैसे आर, कैपिटल आर लेट कर लिए तो टीएसए ऑफ स्फीयर, टीएसए ऑफ स्फीयर 4πr² TSA ऑफ स्फीयर 4πr². तो अगर हेमिस्फीयर का लें तो हेमिस्फीयर का हो जाएगा, हेमिस्फीयर का तो 4πr² / 2 तो मीन्स 2πr². अब हेमिस्फीयर का एक फिगर ड्रॉ करते हैं पहले। तो हेमिस्फीयर का फिगर ड्रॉ करते हैं, जैसे एक लेमन है उसको अगर हम बीच से काट दें तो कुछ इस शेप में होगा। ये देख सकते हैं आप, इस शेप में कुछ ऐसा ही होगा। तो यहां पर जो 2πr² है, ये 2πr² ये वाला पार्ट है, ये वाला जो रेड कलर से जो है ये वाला हुआ 2πr², ये 2πr². ऊपर में चूंकि एक सर्किल के जैसा लग रहा है तो एरिया ऑफ द सर्किल होता है πr². अब दोनों को जब हम ऐड कर दें तो ऐड करने से होगा 3πr² मींस क्या कि एक सर्किल है, सॉरी एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, उसको अगर हम मिडिल से कट कर दें तो उसका जो TSA होगा, तो इसका TSA मतलब TSA ऑफ हेमिस्फीयर ये 3πr² होगा। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। द रेशियो ऑफ द TSA ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर, तो इसका कितना है 3πr², तो 3πr² और किसका रेशियो है तो स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। तो रेडियस को तो हम कैपिटल आर लेट किए तो आर इसका स्क्वायर, तो ये कैंसिल। अब इसका रेशियो क्या होगा, तो रेशियो होगा 3π/1 मीन्स 3π/1 जो कि बी नंबर में इसका आंसर है 3π/1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज आर सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर। तो एक स्फीयर लेते हैं, इसका रेडियस आर है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जस्ट इसी तरह से टू इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया। द होल सरफेस ऑफ टू पार्ट्स विल बी, तो एक सपोज एक लेमन है
इसको दो पार्ट में कट कर देंगे तो इसका जो टीएसए हुआ अभी, तो इसका टीएसए हुआ 3π r², एक पार्ट इसका और बच जाएगा तो अगर उसका भी ऐड कर दें, दोनों पार्ट को अगर ऐड कर दें टीएसए, तो टोटल हो जाएगा 2 parts विल बी सरफेस एरिया इज इक्वल टू, तो 3π r² प्लस 3π r². अब 3π r² 3π r² ये कहां से आया, ये आप यहां पे देख सकते हैं, तो 6π r² 6π r² ये ऑप्शन है, ये पाई यही होगा ऑप्शन, सॉरी बी नंबर इसका आंसर होगा 6π r². अब 9 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, 9 नंबर है 12 सॉलिड स्फीयर्स ऑफ द सेम साइज, मतलब 12 सॉलिड स्फीयर है, ठोस गोला है 12 पीस और सब क्या है सेम साइज का है, एक ही तरह का, और इसको बनाया गया किससे, एक मेटालिक सिलेंडर है और उस सिलेंडर का जो रेडियस है वो 1 cm है और हाइट 1/3 ऑफ 48 cm। तो देखते हैं पहले इसका सिलेंडर का फिगर ड्रॉ करते हैं, ये हो गया सिलेंडर और इस सिलेंडर का रेडियस 1 cm है और हाइट है 1/3 ऑफ 48, इसका मतलब ये 16 cm हो गया हाइट, ठीक है। ये कोई मेटल का इसको मिल्ट कर दिया गया, मिल्ट करके बनाया गया, क्या चीज बनाया गया, तो सॉलिड स्फीयर, कितना पीस, तो 12 पीस, तो 12 पीस में से किसी एक पीस को हम लेते हैं और इसका रेडियस को हम यहां पे लेट करते हैं कैपिटल R, और इस तरह से कितना है, तो 12 पीस, तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इस स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा, 12 स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वह इस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल टू होगा, तो हम यहां पे देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4π r³, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4π r³, तो 12 पीस है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये बन किससे रहा, तो बन रहा है सिलेंडर से, सिलेंडर को मिल्ट करके बनाया गया, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है π r² s, तो यहां पर r है 1, तो π × 1 और हाइट है इसका 60, हाइट है 60, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 × 4 = 16 यानी 60π r³ = 16π, अब सॉल्व कर देते हैं, तो 16π 16π, तो r³ = 1, therefore r = 1 cm, means क्या, ये जो 16, ये जो 12 सॉलिड स्फीयर्स था उसका जो रेडियस हुआ वो 1 cm, मतलब r = 1 cm, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द स्लांट हाइट ऑफ ए बकेट, तो एक बकेट का फिगर ड्रॉ करते हैं, मतलब इसका फिगर फ्रस्टम ऑफ कॉन के जैसा हो जाएगा, ये है फिगर इसका बकेट, तो स्लांट हाइट, स्लांट हाइट मतलब तिरछी ऊंचाई, ये वाला जो हाइट है इसका स्लांट हाइट है वो कितना है 26 cm, और अपर एंड लोअर सर्कुलर इंड्स आर 36 cm एंड 16 cm डायमीटर, यानी कि अपर इंड का जो डायमीटर है 36 cm, तो इसका रेडियस हो जाएगा कितना 18 cm और लोअर इंड का 8 cm, तो हमको जो कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करना है इसका हाइट कितना होगा, ये वाला हाइट कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है कि अगर हमको इसका हाइट फाइंड करना है
इसको अगर हम यहाँ पे R1 रिलेट कर लें, ये वाले को अगर R1 रिलेट कर लें और ये वाले को R2, ये H ले लें और ये स्लांट हाइट को अगर हम L ले लें, तो ये जो होगा H स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 और ये होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, H स्क्वायर इज इक्वल टू, तो L है हमारा 26, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 676 माइनस R1 है 18 और R2 है 8, तो माइनस करेंगे 18 माइनस 8 10, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू 676 माइनस 100, तो H अगर सॉल्व करें इसको तो होगा 24 सेंटीमीटर। मीन्स इसका जो हाइट हो गया बकेट का वो 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, इफ द एरिया ऑफ थ्री एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली देन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज। तो एक क्यूबॉइड का फिगर ड्रॉ करते हैं, पहले एक क्यूबॉइड का फिगर ड्रॉ करते हैं, सर ये क्यूबॉइड हो गया, क्यूबॉइड क्या क्या गिवन है, द एरिया ऑफ थ्री एडजेसेंट फेसेस, एडजेसेंट फेसेस मतलब तीनों फेसेस इसका कंटिन्यूटी के साथ होना चाहिए, जैसे कि अगर एक फेस हम इसका ये वाला लेते हैं सामने वाला, दूसरा ये वाला लेते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं तब समझने में आसानी होगी, दूसरा ये वाला फेस और तीसरा ये वाला फेस लेते हैं, तो इसका ये वाला का सबसे पहले तो हम इसका लेंथ जो मेजर करेंगे, अगर इसको L लेते हैं तो ये भी L होगा, ये भी L और ये भी L। सिमिलरली अगर हम इसको ब्रेथ लें ये वाला B, तो ये भी B होगा, ये भी B और ये भी। अगर हाइट को मेंशन करें तो हाइट जो होगा इसका, तो जैसे ये इसको हम H लेते हैं, ये भी H ये वाला और ये H और फिर ये H, तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें, एरिया ऑफ थ्री एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर एक्स वाई, मीन्स एक फेसेस का एरिया जैसे X है, जैसे मान लिया जाए कि हम इस फेस को ले रहे हैं, इसका एरिया दिया हुआ है X, तो ये रेक्टेंगल के शेप में हो गया, तो X X इज इक्वल टू, तो इसका लेंथ ब्रेथ अगर हम लें तो ये लेंथ और ये हाइट, मतलब क्या H इंटू L, ठीक है। वही अगर दूसरे एडजेसेंट फेस का लें Y, सपोज जब इस वाले को ले रहे हैं ये वाले को, तो इसका क्या आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसको अगर Y हम लेते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ, और एक और है Z, तो Z इज इक्वल टू, अब ये वाले को लेते हैं ये वाले को, इसको तो इसका, तो ये ब्रेथ और ये हाइट, मतलब Z इज इक्वल टू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर इसको हम क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ले लें, अब तीनों को क्या करें मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर और मल्टीप्लाई एच स्क्वायर, तो इस तरह से क्या हो गया कि एल स्क्वायर यानी एल बी एच और होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, तो स्क्वायर राइट साइड में, लेफ्ट सॉरी लाइन ये राइट साइड में, इस पर रूट हो जाएगा एक्स वाई जेड, तो
तो एल बी एच जो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम एल इंटू ब्रेथ मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये कितना है रूट एक्स वाई जेड, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वॉल्यूम ऑफ टू स्पेयर्स आर इन द रेशियो 64:27। तो दो स्पेयर है, एक स्पेयर ये है और एक ये, इसका अगर हम रेडियस आर ले कैपिटल आर, इसका स्मॉल आर ले, तो इसका जो वॉल्यूम होगा ये वाले स्पेयर का, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ टू स्पेयर मतलब कंपेयर कर रहा वॉल्यूम से, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है 4/3 πr³, इसका भी 4/3 πr³, और रेशियो दिया हुआ है 64:27, तो 64/27, तो यहाँ पर 4/3 4/3 कैंसिल, पाई पाई यानी आर बाय स्मॉल आर कैपिटल आर बाय स्मॉल आर क्यू इज इक्वल टू 4/3 ये क्यू, तो आर बाय आर सॉरी कैपिटल आर बाय स्मॉल आर का जो वैल्यू आया, कैपिटल आर बाय स्मॉल आर का जो वैल्यू आया हमारा वो 4/3। अब रेशियो निकालना है इसका, सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, तो देखते हैं सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है, तो 4πr² 4πr² और ये वाले का इसका भी वही 4πr² मीन से स्मॉल आर क्या होगा इसका, तो 4π कैंसिल, तो r² तो यानी कैपिटल r बाय स्मॉल r, और इसको हम स्क्वायर कर दें। अब यहां से कैपिटल आर बाय स्मॉल आर का वैल्यू कितना है, तो 4/3, और जब इसमें 4/3 हम डाल देंगे पुट कर देंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा 16/9 और इसका जो रेशियो होगा 16:9 जो कि डी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज मिल्टेड, यानी एक सॉलिड स्फीयर है, एक ये स्फीयर है सॉलिड जिसका रेडियस आर है, इसको मिल्टेड कर दिया गया, मिल्ट कर दिया गया, पिघला दिया गया, और क्या बना दिया गया, रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सॉलिड ऑफ ए कॉन, और इसको क्या बना दिया गया, तो इसको बना दिया गया एक कॉन बना दिया गया, ये कॉन बना दिया, और क्या जिसका हाइट आर है, इस कॉन का जो हाइट है वह आर है, और सॉलिड कॉन ऑफ हाइट आर द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कॉन इज, मतलब इसका रेडियस क्या होगा अगर इसको हम आर ले लें, यानी हाइट इसका हो गया आर और रेडियस हो गया कैपिटल आर। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझते हैं पहले, कि ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, एक सॉलिड स्फीयर इसका रेडियस है आर, इसको मिल्ट कर दिया गया, अब मिल्ट करने से एक कोन को बनाया गया, और वह कोन जो है उसका हाइट है आर, ये आर, और रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन इसको इसका कह रहा है क्या कि रेडियस का वैल्यू क्या होगा। तो जैसा कि कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसी स्फीयर को मिल्ट करके कोन बनाया गया, तो इसका मतलब कि इस स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा इस कोन के वॉल्यूम का इक्वल टू होगा, तो इसका वॉल्यूम तो 4/3 πr³, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²h, तो r तो हमारा यहाँ पे r है मतलब कैपिटल r, πr² और हाइट के रूप में यहां पर r है, तो ये 3/3 कैंसिल, πr² भी कैंसिल, 4r³ इज इक्वल टू कैपिटल r² इनटू स्मॉल r, तो यहां पर
कैपिटल आर का हमको वैल्यू फाइंड करना है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 4R³/R। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आर ये टू बचा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4R² देयरफॉर आर इज इक्वल टू 2R। मतलब क्या कि इस कोण का जो रेडियस होगा वो 2R होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट 14 नंबर, द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, एक स्फीयर है, ये जैसे स्फीयर है तो इसका रेडियस होगा, रेडियस आर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया है, तो टी एस ए ऑफ स्फीयर तो 4π R² है दिया हुआ कितना, तो 616, तो सॉल्व कर देना 616 इज इक्वल टू 4π R² तो हमको R का वैल्यू यहां पर फाइंड करना है, फाइंड इट्स रेडियस, तो R² इज इक्वल टू होगा R² 616/4π। R² इज इक्वल टू 616/4π। अब इसको कैंसिल करते हैं, ये 2308 154। अब R² इज इक्वल टू 154/22/7, तो 154 ये तो 7 कट गया, तो 7 × 7 इज इक्वल टू 49, तो R² इज इक्वल टू 49, देयरफॉर R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए लाइन विच इंटरसेक्ट ए सर्किल, एक सर्किल है ये, एक लाइन है विच इंटरसेक्ट ए सर्किल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब क्या, दो पॉइंट्स पे कहीं पे इंटरसेक्ट कर दिया, जैसे कि ये यहां पर कट कर दिया इंटरसेक्ट, तो इस पॉइंट्स को क्या कहेंगे, एक टेंजेंट कहेंगे, नहीं, टेंजेंट किसको कहेंगे, टेंजेंट ये हुआ टेंजेंट, इसको कहेंगे टेंजेंट, सेकंड कहेंगे, यस ये क्या है सेकंड, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चंस था उसका सॉल्यूशन वो हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, थैंक यू।